गाइस, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस ओटीटी के बारे में। बिग बॉस ओटीटी की फेमस कंटेस्टेंट पायल मलिक, जो कि बिग बॉस की फेमस कंटेस्टेंट रही है, वो भी हाल ही में ये हो चुकी है एविक्ट इस बिग बॉस से। कल का एविक्शन बहुत ही बुरा रहा है बिग बॉस के सीजन में। ये दूसरा एविक्शन रहा जिसमें पायल मलिक हो चुकी है बेघर। पायल मलिक के घर से निकलते वक्त ना ही अरमान मलिक ने और ना ही कृतिका मलिक ने कोई भी नहीं रोया, या फिर उनको लगता ही नहीं देख कर कि उनको एक भी दुख हुआ होगा पायल के जाने पर। लोग तो ये कह रहे थे कि अरमान मलिक कृतिका को ज़्यादा पसंद करते हैं, पायल को कम पसंद करते हैं। पूरे बिग बॉस में तो यही ही दिखाया गया है कि अरमान जब भी हो कृतिका को हक करते रहते हैं और पायल से दूर भागते रहते हैं। पता नहीं लोगों का ऐसा क्यों कहना है, मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। पर मैंने एक जगह पर यह भी देखा कि जब एक कंटेस्टेंट बिग बॉस की बेहोश हो गई थी तो अरमान मलिक को क्या ज़रूरत थी उनको उठाने की। घर में तो इतने ज़्यादा भी लोग हैं कि वो लोग भी उसकी हेल्प कर सकते थे, पर अरमान मलिक ही क्यों कूदे उसको उठाने के लिए, जो कि लोगों ने बहुत बुरा लगा क्योंकि दो दो बीबी होने के बाद भी वो ऐसा कर रहे हैं। पायल मलिक तो अब घर से निकल चुकी हैं, तो आप किसको देखना पसंद करेंगे, अरमान मलिक या कृतिका मलिक को, या फिर दोनों को देखना पसंद करेंगे? अरमान मलिक हमेशा कृतिका को ही चाहते थे ऐसा लगता है इस बिग बॉस में, फिर भी वो पायल से लगता है ज़बरदस्ती रह रहे हैं। पर उन तीनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उनके दोनों के चार बच्चे भी हैं जो कि एक साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और ये लोग अक्सर यूट्यूब में और स्नैप में व्लॉग बनाते रहते हैं। लोग इनके व्लॉग के ही तो दीवाने हैं, तभी तो इनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये इतने ज़्यादा पॉपुलर है। अरमान मलिक तो ये भी कह रहे थे बिग बॉस के अंदर कि वो इन दोनों बीवियों के लिए इतना ज़्यादा पैसा जमा करवा चुके हैं कि इनको कुछ होता भी है तो इनकी बीवियों के लिए अच्छा पैसा रहेगा ऐस करने के लिए। अरमान मलिक और पायल मलिक और कृतिका मलिक जब बिग बॉस के अंदर आए थे तो लोग शौक रह गए थे कि ये अपनी दो दो बीवियों के साथ लेकर आए हैं, और बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट चाहते हैं कि अरमान मलिक अपनी दोनों बीवियों से बात ना करें ताकि वो तीनों एक दूसरे की प्लानिंग ना कर सके और ये लोग गेम में आगे ना जा सके। पता नहीं लोग ऐसा क्यों चाहते हैं। पायल मलिक के बाद आप किसको वोट करेंगे कमेंट करना मत भूलिएगा गाइस, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन भी ज़रूर से ज़रूर चालू कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू गाइस।